दोस्तों आपको देखा होगा, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेन है, मतलब मान लो 75 टन मेट्रिक टन का है, तो बहुत बड़ा ऊंचाता है। मतलब मान लो खुद तो बड़ा बड़ा मतलब उठाओ, ज़्यादा से हेवी उठाने वाला या बहुत बड़ा बड़ा काम के लिए होता है। तो आप कभी देखा नहीं होगा, उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो क्रेन कैसा होता है और कैसा काम करता है। आप देख रहा होगा, देख यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत यहाँ पे काम, मेरा काम बहुत चल रहा है। काम भी देखो, देख सकते आप काम चल रहा है, बहुत हेवी वाला काम चल रहा है। मतलब बहुत लोग इसको काम करता है, ऐसा उठा उठाते ही। और देखा होगा ये वाला क्रेन है, बहुत बड़ा वाला क्रेन है, देखो तो ज़्यादा इसको बहुत वेटिंग से उठाता है ऐसा। वह वाला मतलब क्रेन ऑपरेटर है, तो ये भी इसको ऑपरेटर करता है। देखो मतलब इसका वेटिंग है 75 टन तक ये वर्क करेगा, तो इतने लंबा है। तो यह कंपनी में एक वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसका डाला था आपका, आपको इसको बारे में जानकारी देने के लिए बनाया था। एक बहुत बड़ा हाइट है इसका, तो मान लो कि नवीर भाई 75 मेट्रिक टन का उठाएगा और बहुत बड़ा बड़ा काम को ये वाला करता है। देखा ऐसा है, और इसका काम चल रहा है। तो देखो इसका जो पाइपलाइन का फिटिंग करना या सेटिंग करने वाला, ऐसा काम ये वाला करता है। तो इसलिए ऑर्डर यहाँ पर काम चल रहा है, देखो बहुत तो यहाँ पर काम करता है ऐसा ही। तो ज़्यादा इसको हेवी मतलब वर्क करने के लिए यूज़ करेगा। और ज़्यादा भी देखो वाटर टैंक है, बहुत बड़ा वाटर टैंक है वाला, तो ये बेंगलुरु में बन रहा है, तो इसलिए बनाने के लिए बताया था कि ऐसा बहुत काम चल रहा है। और ये वाला क्रेन भी बहुत ज़्यादा वेट हेवी वेट उठाता है, तो हम लोग देख सकते हैं इतना कितना बड़ा है ट्रेन, देखा एक बहुत वेट से आएगा, इतना लंबा से इतना हाइट से वर्क करेगा। और ज़्यादा ये वैसा भी मतलब इसका कीमत तो 4-5 करोड़ होगा शायद, तो इसलिए देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। गाली वगैरह देखेगा तो बहुत है इसका। हम लोग चेन देखेंगे, चेन तो बहुत ज़्यादा है, देखो कितना कितना चेन बना है इसका, बहुत हाइट बना है ट्रेन, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है। देखो चेन वगैरह और इतना ऐसा भी, तो इसका स्टील का बनाया हुआ है, तो स्टील से देखो T9422 इसका शायद मॉडल होगा, और ये चेन में उठाता है। ऐसा भी बहुत बड़ा बड़ा चेन है इसका, देखेंगे तो परेशान हो जाएगा, इसलिए देखा था आप कहीं भी देखे देखो इतना बड़ा है। देखो चेन वो डालेगा तो बहुत बड़ा दिया है उसका, बहुत बड़ा है भाई भी, अब मतलब बहुत ज़्यादा वेट उठाता है इसका, ज़्यादा तो ऐसा मान लो कि 75 मेट्रिक टन तक इसका वेटिंग उठाता है, तो लिफ्टिंग करने का चांसेस है। तो इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इतना इतना है कि लगता है कितना ज़्यादा देर हुआ है, मुझे ये देखते ही बहुत ये हो रहा है, देखो इतना बड़ा बड़ा है। मैंने इसको अभी देखा हूँ, तो इसलिए आपको ये मतलब पीछे वाला बनाया हुआ है, मतलब ज़्यादा हेवी उठाता है ना, तो इसलिए सपोर्टिंग पिलर दिया हुआ है। ये जो बनाया हुआ है ना ये वाला, मतलब ये वो जो स्टील का वेटिंग का, स्टील का वेट बनाने वाला, तो ज़्यादा हेवी लोडिंग का करता है, हेवी लोडिंग करते ही यहाँ पे आ जाएगा। देखो ज़्यादा बहुत वेटिंग है इसका। मैं आपको जो मतलब इसको ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर के बारे में मैं आपका बात करवाऊंगा। तो ऑपरेटर जो इसका काम करेगा, जो कैसा ऑपरेटर करता है ये वाला, तो उसके बारे में बताएगा क्या क्या काम करता है ऑपरेटर वाला, तो उससे बात कराएंगे। देखो ये वाला ऑपरेटर इधर देखा हुआ, देखो ये कैसा ऑपरेटर करता है पता है आपको? क्रेन ऑपरेटर है, मतलब माल जरेशन करने का, मतलब कितना वेट उठाता है इसका? अभी 35 टन तक इधर उठा के जरेशन कर दिया टैंक। तो इसका ज़्यादा वेटिंग कितना है? 75 मेट्रिक टन का है क्या? 75 टन में सब जगह नहीं आता है, अभी 35 टन इधर ये भी टूटी हुई है, बाकी पाइप है 20 टन का, 40 टन का ऐसा पाइप है, वो उठा के रखें। आप कितने साल इसका काम कर रहे हो ऐसा वाला काम? मैं अभी 20 साल से, 20 साल इसी काम कर रहे हैं। यही काम। तो आपका कितना चल रहा है काम कर रहे हैं? मेरा अभी 37,000 37, मतलब आप कैसा आप रहे, मतलब फीलिंग कैसा होता है, अच्छा है क्या काम करने का? बहुत ज़्यादा रिस्क काम है करने का? नहीं, रिस्क कम पे रहता है, ऐसा बिना रिस्क का कोई भी काम नहीं होता, सब रिस्क का काम है, आदमी से अच्छे से काम कराना, किसी मारपीट नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए हर एक काम रिस्क लेके करना, छोटा काम होने तो बड़ा काम होने दे, अच्छा अच्छा संभाल के करना पड़ेगा, क्यों आदमी जो बचा के काम करना है, इसलिए संभाल के काम करेगा तो अच्छा। मतलब आप कहाँ से? मैं तमिलनाडु का। अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी अरवली साइड में, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं ना? बेंगलुरु में। अच्छा, एक आप देखा होगा तो ये वाला है ना ऑपरेटर, तमिलनाडु का है, बेंगलुरु में काम कर रहा है इधर, तो वो 20-30 साल से काम कर रहा है इधर, बहुत ऑपरेटर है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको बहुत जानकारी है इसका काम के बारे में, तो इसलिए ये वाला तो इसको काम करने का बहुत आसान हो जाएगा, ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। देखो देख सकता है इतना कितना काम चल रहा है, और ये वाला भी देखो बहुत बड़ा काम चल रहा है, पीछे है ना वाटर टैंक, ये बेंगलुरु में बन रहा है, बहुत बड़ा वाटर टैंक बन रहा है इधर, और मतलब कॉन्क्रीट प्लांट है, तो यही भी यही काम चल रहा है ऐसे भी।
तो बहुत बड़ा बड़ा काम चलेगा इधर। तो ऐसा भी ये वाला क्रेन था, इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बताया था। देखो ऐसा और एक बन रहा है इधर, रिपेयरिंग बन रहा है, मतलब इसको ये कर रहा है, रेडी कर रहा है उसको, देख सकते हैं। ये वाला नया वाला बनाया है, ये भी नया वाला है, मतलब यही कंपनी में काम कर रहा है, दो दो के लिए और ट्रेवलिंग के लिए कंपनी में दिया हुआ है, तो इसलिए वो उसका भी नया वाला तैयारी कर रहा है। देख बहुत सारे कैटर आया है, करीन आया है, बहुत आप देख सकता है। ये वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, देख वहाँ पे मतलब ये बन रहा है, वो स्टेशन बन रहा है करंट का, जो इसका बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मांगता है, इसको हैवी लोड मांगता है ना करंट, तो इसलिए ये करीन स्टेशन बन रहा है। तो देख सकता है कितना कितना बड़ा काम चल रहा है वाला। देखो ये वाटर टैंक है वहाँ पे जो बना रहा है, देखो स्लैब गिलैब बहुत बड़ा बड़ा स्लैब चल रहा है इधर, और बहुत बड़ा बड़ा काम भी चल रहा है वहाँ, देख सकता है कितना बड़ा चल रहा है।